DAX Tutorials, a step towards the success with trust. Friends, welcome to you in our YouTube channel DAX Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 9.3 के question number 11 तक बता दिए थे. आज चलते हैं next question number 12 की ओर. In this question saying that the sum of the first three term of a GP is 39/10 and their product is 1. फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स. यानी किसी जी पी के फर्स्ट थ्री टर्म का जो सम है वो 39/10 है और उनका प्रोडक्ट है वो 1 है, तब आपको उसका कॉमन रेशियो और टर्म्स आपको फाइंड करने हैं. यानी थ्री टर्म्स जो हैं वो आपको फाइंड करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट लेट द थ्री यानी फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जी पी फर्स्ट हम ए अपॉन आर कॉमा ए और थर्ड है हमारा ए आर राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन उसने ये कहा है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जी पी इज 39/10 यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 39/10. दिस इज योर इक्वेशन नंबर यानी 39/10 ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. देयर प्रोडक्ट इज एंड द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज ऑफ द जीपी 39/10 एंड देयर नेक्स्ट कंडीशन दिया एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर इक्वल टू 1. उनका प्रोडक्ट 1 है, आर से आर कैंसिल हो गया, दैट इज ए क्यूब इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 1. ए इक्वल टू हमारा क्या हुआ 1 ओवर. आफ्टर दैट ये वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 इंटू आर इक्वल टू 39/10. 1 को इसको उधर भेज देंगे तो मिलेगा 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 39/10 माइनस 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 39/10 अपॉन 10. ये हमारा होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 29/10 राइट. सिंप्लीफाई इट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 29 आर. अब जब ट्रांसपोज कर देंगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 जीरो. इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, 10 में 100 हुआ तो 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम करने पर 29 आए, दैट इज 25 प्लस 4. 25 4 जा 100 हुआ इट विल बी 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 जीरो. फर्स्ट पेयर में आपका 5 आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका 2 आर प्लस माइनस 5. सेकंड वाले में आपका माइनस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा आर माइनस 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0. आगे हुआ आपका 2 आर माइनस 5 और 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0. 5 आर माइनस 2 हो गया. इसके बाद देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0 देन वी गेट आर इक्वल टू 5/2 राइट एंड 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0 देन वी गेट आर इक्वल टू 2/5. अब आर की वैल्यू हम दो वैल्यू फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई है. अब हमें बारी बारी से लेना है when
R equal to 5.2. Then E1 equal to E. E1 equal to A upon R. E की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 5.2, it will be 2 upon 5, right? E2 हमारा A, this is 1. And E3 AR, this is 1 multiply 5.2, it will be 5.2. So 3 terms in GP. थ्री टर्म्स इन जी की हमारे क्या हो जाएंगे, 2 upon 5, 1, 5 upon. ऐसे ही सेकंड टर्म हमारा आर इक्वल टू 2 upon 5 लिख के सॉल्व कर लें. देन आर इक्वल टू हमारा कितना है, 5/2 लिया था पहले, अब लेंगे 2/5. व्हेन आर इक्वल टू 2/5, ए वन इक्वल टू ए अपॉन आर, दिस इज 1/2/5 इक्वल टू 5/2. ए टू इक्वल टू ए इक्वल टू हमारा कितना 1. एंड ए थ्री इक्वल टू ए आर, दिस इज 1 × 2/5, दिस इज 2/5. सो हेंस थ्री टर्म्स इन जीपी, हमारा क्या हो जाएंगे, 5.2, 1, 2/5. दीज आर द, यानी जब आर इक्वल टू 2/5 है तो हमारा जीपी के थ्री टर्म ये होंगे, जो आर इक्वल टू 5.2 है तो जीपी के थ्री टर्म ये होगी. नंबर कॉमन रेशियो, दिस इज अवर कॉमन रेशियो फॉर द गिवन जीपी. आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सेइंग दैट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3² 3³ आर नीडेड टू गिव द सम 120, यानी इस जीपी का कितने टर्म की आवश्यकता होगी कि उनका सम 120 हो. यानी एस एन हमें दिया है, वी हैव टू फाइंड द एन, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है. एज वी नो दैट ए इक्वल टू हमारा कितना है 3, आर इक्वल टू 3² / 3, दिस इज 3, और एस एन आपको दिया है, एन आपको यहाँ से फाइंड करना है. सिंस एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट. तो एस एन हमें दिया 120 इक्वल टू ए की वैल्यू 3, आर पावर एन माइनस 1 होल अपॉन 3 माइनस, यानी 3 टू दी पावर, आर की वैल्यू 3 है, 3 टू दी पावर एन 3 माइनस 1. आगे सॉल्व करते हैं, 120 इक्वल टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 टू दी पावर एन माइनस 1, 3 अपॉन 2 को जल्दी दीजिए, 120 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 टू दी पावर एन माइनस 1, जैसे ये 40 टन और ये हमारा हो जाएगा 40 × 80, दिस इज 3 टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 80. सो 3 टू दी पावर एन इक्वल टू 80 + 1, सो 3 टू दी पावर एन इक्वल टू होगा हमारा 81. सो वी गेट 3 टू द पावर एन इक्वल टू 3 टू द पावर 4. सो एन इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वन कंपेयर है, देयर आर 4 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द सम 120. आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 14, saying that the sum of the first three term of the GP is 16 and the sum of the next three term is 128. Determine the first term and common ratio of the
एंड द सम ऑफ द एंड टर्म ऑफ द जीपी। यानी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है और सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म आपको फाइंड करना है। लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू आर कॉमन रेशियो रिटर्न ऑफ फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ द एंड टर्म आपको फाइंड करना है। और देखिए एस थ्री आपको दिया हुआ है, एज वी नो दैट एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट ए टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन। आगे एस एन यानी एस फर्स्ट थ्री टर्म एस थ्री हमारे कितना हो जाएगा ए ब्रैकेट आर टू द पावर थ्री माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन, राइट। एस थ्री की वैल्यू आपको दी 16, दिस इज 16 इक्वल टू ए ब्रैकेट आर क्यू माइनस ए माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर माइनस वन को उधर भेज देंगे हो जाएगा ए ब्रैकेट आर क्यू माइनस वन इक्वल टू 16 ब्रैकेट आर माइनस वन, 16 ब्रैकेट आर माइनस वन। आगे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे हम इसको। इसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहे हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म थ्री टर्म्स सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमारे कैसे निकलेंगे यानी एस सिक्स में से एस थ्री को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। एस सिक्स में से एस थ्री को माइनस कर देंगे तो हमारा है कितना 120, राइट। नेक्स्ट थ्री टर्म का सम जो है वो कितना इक्वल टू 120, तो इसे लिख सकते हैं आप एस सिक्स माइनस एस थ्री इक्वल टू 120। एस सिक्स को हम क्या लिख देंगे ए ब्रैकेट आर की पावर सिक्स माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस 16 इक्वल टू 120। आफ्टर दैट बाय सॉल्विंग इट इसे आर माइनस वन को उधर भेज, पहले 16 को उधर भेज दीजिए हमारा कितना हो जाएगा सम ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128 है, 120 नहीं 128 है, राइट। यहां पर भी हमारा 128 हो जाएगा। और 16 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये ए आर टू दी पावर सिक्स को लिख देंगे आर क्यू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 128 प्लस 16। आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा ए ब्रैकेट आर क्यू माइनस वन आर क्यू प्लस वन और होल अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 144। आर माइनस वन को उधर भेज देंगे ए ब्रैकेट आर क्यू माइनस वन आर क्यू प्लस वन इक्वल टू 144 इंटू आर माइनस वन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। द
divide equation second by first. फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ए ब्रैकेट आर क्यू टू पावर थ्री माइनस वन आर क्यू प्लस वन होल अपॉन ए आर क्यू माइनस वन इक्वल टू सिक्सटीन सॉरी 144 आर माइनस वन और होल अपॉन 16 आर माइनस वन राइट. ये हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. देखिए ए से ए कट जाएगा आर क्यू माइनस वन से आर क्यू माइनस वन कट जाएगा और यहाँ हमारा आर माइनस वन से आर माइनस वन कट गया 16 से ये 9 टाइम कट गया 69 आपको मिला आर क्यू प्लस वन इक्वल टू 9 वन हो जाएगा माइनस हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू 9 माइनस वन आर क्यू इक्वल टू 8 दिस इज आर क्यू इक्वल टू 2 का क्यू सो आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2 यानी क्यू रूट ले लेंगे आप इसका समझ लीजिए यानी आर इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 2 हो गया कॉमन रेशियो फाइंड हो गया. अब फाइंड करना है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो निकाल चुके हैं आप. फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे इस आर की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा फर्स्ट हो जाएगा ए ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 16 और 2 माइनस 1 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 1 7 होगा तो हमारा ए इक्वल टू हो गया 16 अपॉन 7 एक तरह से बन गया 7 हो जाए 7 उधर दे देंगे तो ए इक्वल टू हमारा कितना हो गया 16 अपॉन 7. इसके बाद ए निकल आया हमारा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो फाइंड करें हो गया. अब फाइंड करना है हमें एंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी सम ऑफ एस एन आपको फाइंड करना है. एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 7 आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2 पावर एन माइनस वन होल अपॉन 2 माइनस वन 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 16 अपॉन 7 2 में से बन गया 1 बचा 1 से कोई मतलब नहीं यानी 1 का डिवाइड से लिखा नहीं जाता तो 2 टू द पावर एन माइनस 1 दिस इज द एस एन फॉर द गिविन जीपी. आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इन विच सेइंग दैट गिविन ए जी बी विद ए इक्वल टू 729 एंड सेवेंथ टर्म 64 डिटरमाइन एस 7 आपको फाइंड करना है यानी किसी जी पी का फर्स्ट टर्म ए हमारा 729 है ए 7 हमारा 64 है और आपको एस 7 आपको फाइंड करना है. एज वी नो दैट ए 7 मीन्स ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू 64 राइट एक ही जगह कितना रख देंगे हम 729 therefore 729 r to the power 6 equal to 64 r to the power 6 equal to 64 upon 729 it can be written as r to the power 6 equal to 2 upon 3 whole to the power 6 power 6 se power 6 kat gaya then we get r equal to 2 upon 3 hamare se r equal to 7 upon 3 ho gaya now we have to find the s 7 इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है एस सेवन फाइंड करना वैल्यू पुट कर दीजिए एस सेवन यानी एस एन इक्वल टू हमारा क्या होता है एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट आर टू द पावर
एन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन, तो एस सेवन हमारा कितना हो जाएगा ए, की वैल्यू कितनी है 729, ब्रैकेट आर की वैल्यू कितनी है 2/3 होल टू दी पावर 7 माइनस 1 होल अपॉन 2/3 माइनस 1। आगे से सॉल्व करेंगे, देन वी गेट एस सेवन इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एस सेवन इसका आएगा सॉल्व करने पर 2059, सीधा और ऐसे ही। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 16 इन विच सेइंग दैट फाइंड ए जीपी फॉर विच, जीपी फाइंड करनी है फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज माइनस 4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। हमें एक जीपी फाइंड करनी है जिसका फर्स्ट टू टर्म आपका, जिसके फर्स्ट टू टर्म का सम जो है माइनस 4 है और फिफ्थ टर्म उसके थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इक्वल टू स्मॉल ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। उसने क्या दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म S2, sum of the first two term is minus 4, that is S2 दिया हुआ है, minus 4, Sn equal to क्या होता है R, A bracket R to the power n minus 1, whole upon R minus 1, S2 equal to हमारे क्या हो जाएगा, A bracket R to the power 2 minus 1, whole upon R minus 1, और S2 की वैल्यू आपको दी है माइनस 4, माइनस 4 इक्वल टू ए ब्रैकेट आर प्लस 1 और आर माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट जाएगा, देन वी गेट ए इक्वल टू माइनस 4 अपॉन आर प्लस 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, यानी ए फाइव इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए 3, ए 4 को हम लिख देंगे ए टू दी ए इंटू आर टू दी पावर 4 और 4 मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा राइट, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कटेगी तो आर स्क्वायर आएगा, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू आपका 4, देन वी गेट आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 लेंगे एक बार माइनस 2 लेंगे, वेन आर इक्वल टू 2 फर्स्ट, ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज माइनस 4 अपॉन 3, सो हमारा ए 1 इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3, ए 2 ए आर दिस इज माइनस 4 अपॉन 3 डिप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी 2, दिस इज माइनस 8 अपॉन 3 एंड ए थ्री ए आर स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर दिस इज 16 अपॉन 3, सो आवर जी पी विल बी माइनस 4 अपॉन 3 कॉमा माइनस 8 अपॉन 3 कॉमा माइनस 16 अपॉन 3। फिर वी हैव टू डिटरमाइन द जी पी, जी पी फाइंड करनी थी हमें इसमें, एंड वेन आर इक्वल टू माइनस 2 टेन फर्स्ट, ए हमारा हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2
plus 1. This is minus 4 upon minus 1. This is 4. Equal to 4 हो गया. That is a1 equal to a equal to हमारा होगा 4. a2 equal to ar. ER इक्वल टू हमारा कितना होगा 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू हमारी कितनी माइनस 2 इज माइनस 8 एंड ए 3 ए आर क्यू दिस इज 4 मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 या 16 तो जी पी विल बी 4 माइनस 8 कॉमा 16 GP when R equal to यानी जब R equal to हमारा minus plus का 2 है तो GP ये होगी minus 4 upon 3 minus 8 upon 3 minus 16 upon 3 when R equal to minus का 2 है तो GP होगी 4 minus 8 और 16. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 82 79 45 25 37. Your question number 17, in which saying that if the 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? Let the first term of GP is A. Let the first term of the GP equal to small a and common ratio equal to R. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एन इक्वल टू हमारा क्या होता है? ए एन टू आर टू की पावर एन माइनस वन. इसे हमारा अपडेट टू क्वेश्चन क्या है? ए फोर यानी फोर्थ टर्म इज एक्स यानी ए आर क्यू इक्वल टू एक्स. इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए टेन बाई है. ए टेन मीन्स ए आर टू की पावर नाइन इक्वल टू बाई. एंड नेक्स्ट है ए 16 थी जेड ए आर टू द पावर 15 टू जेड. दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड वी हैव टू प्रूव दिस एक्स वाई जेड आर इन एपी. एक्स वाई जेड को एपी में दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? इनका रेशियो फाइंड कर लीजिए. सिंस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स फाइंड करेंगे ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर 9 अपॉन ए इंटू आर टू द पावर 3. ये कट जाएगा और ये आर टू की पावर 6 आएगा. राइट एंड जेड अपॉन वाई फाइंड करके देखते हैं. ए आर टू की पावर 15 अपॉन ए आर टू की पावर 9. ऐसे कट गया इससे ये 16 बचेगा आप हैं आर टू की पावर 6. इट इज ऑल्सो आर टू की पावर 6. दैट्स वाई y upon x equal to z upon y. So x comma y comma z are in GP. ये हमारे किसमें है? GP में. After that your question number 18, in which saying that the sum of the find the sum of sum two n terms of the sequence 8, 88, 888 and 8888. ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इसका आपको एन टर्म का सम फाइंड करना है. एस एन इक्वल टू सम फाइंड करना है. एस एन इक्वल टू 8 + 88 + 888 + 8888 इसमें आप 8 कॉमन ले लेंगे. 1 + 11 + 1 + 4 times 1
एस एन इक्वल टू नाइन का डिवाइड यानी एट अपॉन नाइन, और नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आप, नाइन प्लस नाइन्टी नाइन प्लस नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन प्लस नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन। इसके इट कैन बी एक्सपेंडेड एट अपॉन नाइन, इसे नाइन को ले सकते हैं टेन माइनस वन प्लस हंड्रेड माइनस वन प्लस थाउजेंड माइनस वन प्लस टेन थाउजेंड माइनस वन टेन टाइम्स का, ठीक है टेन टर्म्स होंगे यहाँ पे, टेन टर्म्स टेन टर्म्स और ये आपके टेन टर्म्स। अगर आप इसको देखेंगे तो एट अपॉन नाइन टेन प्लस हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड टेन टर्म्स, इसके बाद माइनस वन वाला आपका माइनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन टेन टर्म्स, राइट। आगे सॉल्व, ये तो आपकी जीपी हो जाएगी इस टेन टर्म के लिए, एट अपॉन नाइन ये हमारा हो गया इसके लिए टेन, आर भी हमारा टेन होगा, टेन टू द पावर एन माइनस वन और होल अपॉन टेन माइनस वन, माइनस वन 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 एंटर तक प्लस करेंगे तो माइनस एन आ जाएगा, दिस इज द एस एन फॉर द एस एन हमारा हो गया। आगे और सॉल्व करने को कहा इन्होंने, और सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीपल कर देंगे उसे काम, आगे सॉल्व करिए, एस एन इक्वल टू एट अपॉन नाइन ब्रैकेट टेन ब्रैकेट टेन टू द पावर एन माइनस वन फोर अपॉन नाइन माइनस एन, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एट टेन या एट्टी अपॉन नाइन नाइन या एट्टी वन ब्रैकेट टेन टू द पावर एन माइनस वन माइनस एट अपॉन नाइन एन, दिस इज अवर एस एन फॉर द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस के लिए दिस इज द एस एन यानी सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। After that, your question number 19, in which saying that find the sum of the product of the corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32 and 122, 32, 8, 2, 1, 2. In जो sequence दिए हुए हैं, इन sequence के corresponding term का sum आपको find करना, इनका हमें क्या find करना है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी एस वन एस टू दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, इनके करस्पोंडिंग टर्म के प्रोडक्ट का सम आपको फाइंड करना है। पहले हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एस वन एंड टू एस टू, तो टू और 128 का मल्टीपल होगा 256, कॉमा फोर और 32 का मल्टीपल होगा 428 और 312 128, कॉमा फोर एट और 8 का मल्टीपल होगा 64, 16 और 2 का मल्टीपल होगा 32, 32 और 1.2 का मल्टीपल होगा 16, राइट। हमें इसका सम फाइंड करना है, ये हमारा हो गया यहाँ पर जीपी में होंगे 256 और आर इक्वल टू हमारा 128 अपॉन 256, दिस इज 1.2 और एन हमारा होगा 5, that we have to find the, as we know that Sn equal to हमारा क्या होता है, a bracket
e to the power n minus 1 whole upon r minus 1 n की जगह a की जगह रखेंगे आप 256 ब्रैकेट r की जगह 1 upon 2 whole to the power 5 minus 1 whole upon 1 upon 2 minus 1 आगे सॉल्व करेंगे इसको 256 ब्रैकेट 1 अपॉन 32 माइनस 1 होल अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 256 ब्रैकेट 1 माइनस 32 होल अपॉन 32 होल अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसको 256 मल्टीप्लाई माइनस 31 अपॉन 32 माइनस 1 अपॉन 2 2 से 16 टाइम कट गया माइनस कट गया और ये 16 से ये 16 से 16 टाइम कट गया मल्टीप्लाई करते हैं इसका सम 16 1 या 16 3 या 48 एंड 149 496 the sum of the product of the corresponding terms of the given sequences. After that, question number 20, in which saying that show that the product of the corresponding term of the sequences a ar ar square a r to the power n minus 1 and a comma ar comma ar square and a r to the power n minus 1 form a gp and find the common ratio. ये जीपी बनाते हैं और इनका कॉमन रेशियो हमें फाइंड करना है. ये दो सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं, इनका पहले प्रोडक्ट फाइंड करिए. एस वन मल्टीप्लाई एस टू स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा ए आर ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर. A to the power n minus 1 multiply A R to the power n minus 1. हम निकालते हैं यहाँ पर T 2 upon T 1. तो हमारा कितना आएगा? T 2 हमारा ये है A R multiply A R upon A small a मल्टीप्लाई कैपिटल ए, इसे कट गया, इसे कट गया, दैट इज स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर. नेक्स्ट फाइंड करते हैं टी थ्री अपॉन टी टू. टी थ्री हमारा क्या है? ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर होल अपॉन ए आर मल्टीप्लाई ए आर. इसे कट गया, इसे कट गया, इस आर से आर की पावर कट गया, इस आर से पावर खत्म हो गई. दैट इज This is also R into R. That's why T2 upon T1 equal to T3 upon T2. So it means hence the product of n GP. Hence the product n GP and the common ratio find करवा रहे हैं. common ratio हमारा कितना हो जाएगा? small r into capital R. this is the common ratio. after that our question number 21. In which saying that find four terms forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. यानी four numbers forming a GP, यानी GP में four numbers आपको find करने हैं. Let the four numbers
एम जी पी ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन उसने कहा है इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म इज बाई 9, यानी जिसका थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, यानी ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 9, ए थ्री मीन्स ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए वन प्लस 9, ए प्लस 9, ए को इधर ले आएंगे, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9, ए को हमें ले लेंगे आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ये कह रहे हैं एंड फोर्थ एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। सेकंड टर्म ए टू इक्वल टू फाइंड द फोर्थ टर्म फॉर्मिंग जीपी प्रोग्राम इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। फोर्थ से आपका 18 ज्यादा है, यानी 8 सेकेंड ए टू इक्वल टू ए फोर प्लस 18, राइट। ए टू को हम लिख देंगे ए आर इक्वल टू ए फोर को लिखेंगे ए आर क्यू प्लस 18, इसे इधर ले आएंगे ए आर माइनस ए आर क्यू इक्वल टू 18 माइनस ए आर कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, तो बचा आपका माइनस इन कॉमन लेंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा रहे आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ए माइनस ए आर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 अपॉन 9। ये कट जाएगा आपका इससे, ए से ये कट जाएगा, 9 से 2 टाइम कट जाएगा तो माइनस से उधर चला जाएगा, देन वी गेट आर इक्वल टू माइनस 2, आर इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा यहां ए ब्रैकेट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, ए ब्रैकेट फोर माइनस 1 इक्वल टू 9 इंप्लाई दैट ए मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 3 या 9, सो ए इक्वल टू आपका 3 एंड वी हैव टू फाइंड द फाइंड फोर टर्म फॉर्मिंग ए जीपी, यानी फोर टर्म आपको फाइंड करने हैं, सो ए वन इक्वल टू ए इक्वल टू 3 एंड ए टू इक्वल टू ए आर, यानी 3 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना माइनस 2, दिस इज माइनस 6, ए थ्री ए आर स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर फोर 3 है 12, ए फोर ए आर क्यू दिस इज 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यू माइनस 8 3 है माइनस 24, अवर फोर टर्म्स आर 3 कॉमा माइनस 6 कॉमा 12 कॉमा माइनस 24। After that, your question number 22, in which saying that if the pth, qth and rth term of the GP are ABC respectively, prove that A into A to the power Q minus R into B to the power R minus P
into c to the power p minus q equal to 1. First of all, we will assume that let the first term of the GP equal to capital A, because small a is my usual, and common ratio equal to capital R. As we have given, according to question, Pth, Qth and Rth, AP means A into R to the power P minus 1 equal to A. AQ, A into R to the power Q minus 1 equal to B. And Qth and Rth term, AR equal to A into capital R, R minus 1 equal to C. And we have to prove A to the power Q minus R into B to the power R minus P into C to the power P minus Q equal to 1. So LHS हम ले लेंगे इसका, A to the power Q minus R into B to the power R minus P into C to the power P minus Q. इसके बाद A, B, C की इसमें वैल्यू आ देंगे using equation first, second and third. LHS equal to A की जगह हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल A कैपिटल R P माइनस 1 होल टू दी पावर Q माइनस R, राइट. ये फर्स्ट टर्म हो गया, मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमारी क्या है, A इंटू R टू दी पावर Q माइनस 1 होल टू दी पावर R माइनस P इंटू A इंटू आर की पावर आर माइनस वन होल टू दी पावर पी माइनस क्यू. इसे मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा ए टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू आर टू दी पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर, राइट. मल्टीप्लाई ए टू दी पावर आर माइनस पी और R to the power P minus 1 R minus P into A to the power P minus Q R to the power R minus 1 P minus Q. आगे से सॉल्व करेंगे तो जाएगा A to the power Q minus R plus R minus P plus और पी माइनस क्यू इंटू आर आर टू दी पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन और पी माइनस क्यू. ये लास्ट वाला टर्म आगे सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस का क्यू माइनस का क्यू कट गया, प्लस का पी माइनस का पी कट गया, प्लस का आर और माइनस का आर कट गया. इस तरह आर की पावर होगी या ए की पावर होगी आपका जीरो इंटू आर की पावर के बारे में देखते हैं. फिर पी का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इसमें पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी
आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू इंटू दूसरा आर की पावर अगर ये वाला ले लें हम माइनस वन के साथ तो माइनस वन का मल्टीपल होगा और ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस आर प्लस ले लीजिए इंटू आर माइनस क्यू माइनस आर फर्स्ट वाले टर्म में आपका क्यू माइनस आर प्लस माइनस इन बाहर निकाल दीजिए या पूरे समय धरती जगह माइनस लगा दीजिए एक ही बात होगी माइनस इन बाहर लगा दीजिए सबसे अच्छा रहेगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी आगे ब्रैकेट को खोल देंगे और सॉल्व करेंगे ये हमारा बचा माइनस पी माइनस आर आर माइनस पी और पी माइनस क्यू ए की पावर जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती वन हो जाती है वन मल्टीप्लाई ये आर टू दी पावर पी क्यू माइनस आर पी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर राइट दूसरा आर इधर आर की पावर आपका माइनस ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कट गया माइनस का आर पी प्लस का आर पी कट गया उसका क्यू आर माइनस का क्यू आर कट गया क्यू से ये क्यू कट गया इससे पी कट गया आपसे आर कट गया दैट इज वन मल्टीप्लाई आर टू दी पावर जीरो मल्टीप्लाई आर टू दी पावर जीरो दिस इज वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन दिस इज योर आर एच एस दैट बी एफ यानी ये प्रूव करना था हमें इसके आर एच एस ले लिया और आर एच एस प्रूव हो गया दैट इज बी एफ टू प्रूव इसका एल एच एस लेकर हमें क्या प्रूव कर दिया वन इक्वल टू वन आज के लिए वीडियो में इतना ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पूछते रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव ए गुड डे